इंस्पेक्टर साहब ये भी झूठ बोला थिया। अब हमरा साथ चली, हमरा पता बा गीत कहाँ दिया। चलो। यहाँ तो भजन कीर्तन हो रहा बा। आज उहे सिमोन तो के मल्हार से बहुत दूर कर दे लिया। हेलो, हाँ हम बोल रहा है। का बात? मल्हार बीमार हो गई बा, बेहोश हो गई बा। डायमंड, डायमंड, बात सुना हमार। हाँ जी भैया बताई। बात ये बा के मल्हार बीमार हो गई बा। मल्हार बीमार हो गई बा? हाँ। का भाई लोग रखे? वो बेहोश हो गई बा। डॉक्टर कहले के शायद दिमाग पे प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई बा। ये तो बहुत अजीब बात बा। हम भाभी जी के बुलावता नहीं, उनका के भी बोले के चाहिए। भाभी जी, भाभी जी। का भेल डायमंड? कोनो काम रहे? कोनो जरूरी काम तो नहीं खे, बस आपके ही बतावे के बा कि भैया के केहू के फोन आइल बा। जेके साम के फोन आइल बा? केकर? ई छोड़ी केकर फोन आइल बा। खबर कोनो अच्छा नहीं खे, बहुत ही। मल्हार बीमार हो गई बा। हाँ? मल्हार बीमार हो गई बा? हे माता रानी, कृपा करी हमार बेटा पे। काहे झूठ बोललू बेवकूफ लड़की? काहे झूठ बोललू? काहे झूठ बोलली तू? और आप बताएं मम्मा, हम और क्या करती? हर जे मर्जी करा, मर जा तू, लेकिन सब कुछ बर्बाद ना कर तू। तू इतना झूठ बोल देलू, तोरा के अपन बहन के बिल्कुल ख्याल ना आइल। हम अपन बेटी के मारे खातिर तोरा के जन्म देले रानी। तू जन्म लेते काहे ना मर गईलू? हमार बेटी के मारे के चाहता रू, बोला काहे बोललू इतना बड़ा झूठ? काहे झूठ बोललू? काहे नहीं के बोलू तरू? हमके जाय दी मम्मी, हमके बख्श दे। तोरा के कैसे माफ कर दे बेवकूफ लड़की? तू तो अपनी बहन के मरे खातिर छोड़ के आ गईलू। हां हम मजबूर रहनी मम्मी, हमके संजय झूठ बोले पे मजबूर कैले रहे। वो बोले कि अगर हम अपन मुंह खोली तो गीत दीदी के गोली मार दिए, जे हम ना चाहते रहने। आप खुद ही बताएं और हम कहा करती? तू कर भी का सकत रहलू बेटी, तू हमरा तरह मजबूर रहलू। हमने के तो भगवाने दुश्मन हो गई ना, हमने इधर के रानी ना हमने उधर के रानी। पर तोहर जीजा के का भइल? मल्हार कैसे बीमार हो गए? पता ना मम्मी, एक पीछे भी पक्का हो संजय के कोनो चाल होगी। संजय के चाल? हाँ जी, पता ना हम उनका के ना आपस में बात करत सुनत रहनी। वो कहत रहले कि वो जीजा जी के पागल कर दी। हे भगवान, का हो गई? ये तो का कहता रू? हाँ जी मम्मी, वो मंडली में ना सब गुंडा ही रहले। वो लोग पता ना का जीजा जी के शरबत में घोल के पिला देले। हम कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं हम? चांद जी, चांद जी, मल्हार जी, मल्हार साहब जी कहाँ पे हैं आप? सुनिए, हम क्या आपके पास आवे के बाद कहीं ना गली तहार चांद जी यही बाड़ी। यहाँ पे कहाँ है चांद जी? हमके नेखे दिख रहा बा। कहाँ पे है चांद जी? हमके अपन चांद जी के पास जाए के बा। हमके जाए थी, हमके यहाँ पे नेखे रहे के बा। आराम से बैठा, अब तू यहाँ से ठीक होके ही जाइबू। ठीक होके का मतलब? हमारा हाथ ही ठीक नहीं के बाना हमार, बस ना ये पागल खाना बा, यहाँ पे उहे आवेला जे पागल हो खेले। अब तू यहाँ पे ठीक होके ही जयबू। सिमोन जी, शायद आप कुछ भूलत तो नहीं की? हम कुछ भूलता नहीं। ओह हाँ, तहार पेमेंट? हाँ जी, आप कहलत रानी की एडवांस दी है। बिल्कुल, 5 करोड़ के बाद भेल रहे ना। और गीत के हाल देख के हमके तहार काम बहुत बढ़िया लगल। रॉकी, और ईला, तहार पहला चेक। पूरा 1 करोड़ बना? हाँ जी, 1 करोड़ बा। और बाकी के पेमेंट काम पूरा होके के बाद। जब हमारी शादी मल्हार से हो गई। हम तो खुदे चाहता नहीं कि आपकी शादी जल्दी हो। हमार तो सच्चे दिल से यह दुआ बा। वैसे हमरा कितना लालच भी ना बा। हम तो ई पैसे से अपन एगो क्लिनिक खोलब ताकि हम आप जैसे लोगन की सेवा कर सकी। डॉक्टर साहब, हम जैसे लोगन की सेवा करबू तो फिर मेवा भी मिली, तू भी राजमा। साथ ही एक बात और, तो के ई मेवा सिर्फ गीत के यहाँ रखे खातिर ना मिलत बा, एगो और मरीज के इलाज भी करे के बाप के याद बाना। हाँ जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करिए, मेडिसिन तैयार बा। बहुत बढ़िया डॉक्टर। चलो रॉकी, सिमोन, तू संजय से कह देली भी है ना काम करे खातिर। वैसे वो ईला एक बाका। ओ अपन काम जरूर करी रॉकी। पैसा के भूत बाऊ, पैसा के। इतना तो हमके भी पता लग ही गइल बा, तभी तो वो अपन बीवी के भूषण सेठ के हवाले करे खातिर तैयार हो गई, पैसा के खातिर। किकर फोन बा सिमोन? ओकर ही, संजय के। चला उठावा, देखा था का कही। हाँ संजय बोला, का खबर बा? खबर वही बा जन तुहार मन करेला सुनाई के। मतलब मल्हार वाला काम हो गई? हाँ जी मैडम जी, उनकरा के बेहोश करके हम भेज भी देले हैं मेहरा परिवार में, वो तो पहुँचती हुई है। शाबाश संजय, शाबाश, तू बहुत बढ़िया काम कर ली बारे। और मैडम जी तनी हमार भी ख्याल रखल करी फिर। उकर तो फिकर मत करा, तो के भूषण सेठ और उनका साथी के भी पूरा पैसा मिल जाए। ठीक है मैडम जी, ओके फिर रखते हैं। देख ला रॉकी, हम कहले रानी ना कि संजय अपन काम जरूर करी। मतलब मल्हार बहुत जल्दी मेहरा हाउस में पहुंच जाए। हाँ पहुँचे वाला बा, और हमने के भी जल्दी जल्दी मेहरा हाउस जाए के चाहिए, काहे कि मल्हार के ख्याल ता हम ही रखब ना। केकर नजर लग गई बा हमार बेटी के। नजर लग गई बा गीत के। गीत गीत करत हाल ता देखा कैसन हो गई बा इकर। गीत का कहला सजे के साहब, आप ओकरा काहे दोष देता नहीं? ठीक बा, आपके ता हमार बात के कोनो मतलब ही ना लागेला, हम ता ऐसे बात करत है ना। लेकिन एक बात याद रख लिया जसलीन जी, अगर हमारे बिटुआ के कुछ हो गई ना तो सारा दोष तुहार सिर पे मरब हम। सिमोन, गीत घर में नहीं खे लेकिन मल्हार घर में बड़ा। अब यही मौका बा, फिर ना कहिया कि मौका ना मिले। तो फिक्र मत करो रॉकी, ई बार हमार और मल्हार के शादी के बीच कोनो रुकावट ना आई। पहले भी हमके मल्हार के अपना बनावे खातिर कितना कुछ झेले के पड़ल। ई बार हमके मौका मिलल बा, हम कसर ना छोड़ब, कोनो जोखिम ना लेब। मल्हार हमार आँख के सामने रही और बाकी के काम डॉक्टर आहूजा के ही दवाई कर दी। जेकर साथे मल्हार सब कुछ भूल के सिर्फ हमार काबू में रही। कैसन सोच सोच रहा बाड़ू सिमोन? कुछ ना रॉकी, हम अंदर जाता नहीं मल्हार के ख्याल रखे खातिर, और तू अब गीत के ख्याल रखवा। और हाँ, डॉक्टर आहूजा से बात करके खबर लेत रहिया। तू कर फिक्र ना कर, तू बस जाके खाली मल्हार के संभालना। भाभी जी, भैया, का फायदा ही बात के, मल्हार घर चलाइल बा, यह बहुत बा। अब डॉक्टर मल्हार के ध्यान रखे के बोले बानी, ओकरा टाइम से दवाई देवे के खातिर कहले बानी। हमनी के सिर्फ मल्हार के सेहत के ध्यान रखे के चाहिए। डायमंड, बात तो तोहार भी ठीक बा, पर हमरा के लागता एकरा के दवाई से कोनो फर्क ना पड़ी। ई बात तो बिल्कुल सही बा भाभी जी, ओकर हाल तो सिर्फ ई खाते से भइल बा, काहे कि गीत नहीं खे समय में। ज्यादा डॉक्टर ना बना डायमंड, चुप हो जा। ई में तो डॉक्टर बने वाला कोनो बात ही नहीं खेजे के भैया। गीत के तो जितना जल्दी होए खोजे के ही पड़ी ना। अगर गीत ना मिलल तब मल्हार के टाइम से दवाई कौन दी है, ओकर ध्यान कौन रखी है? हमार होत आपके मल्हार के फिक्र करे के कोनो जरूरत ना बचा चाची। देखा डायमंड, मल्हार के ध्यान रखे खातिर सिमोन यहाँ पे बिया। हाँ जी, हम मल्हार के ख्याल अच्छा से रखब, ओकर सेवा करब, ओकर टाइम से मेडिसिन देब। रुक जा सिमोन, आगे एगो कदम भी ना बढ़ाई। तू सेवा करे के बात करता रो, हम तो तोहरा के अपन बेटा के हाथ भी ना लगाई दे। जा, निकल जा इजा से, निकल जा इजा से। मॉम, आप काहे जिद करता नहीं? अगर वो मल्हार ब्रो के सेवा करे के चाहत बाड़ी तो करे देना ओकरा के। हाँ जी आंटी जी, आप मल्हार के फिक्र हमार ऊपर छोड़ दी। हमरा के तो फिक्र है ई बात के बा कि तू एजा बाड़ू, हमार गीत इस समय एजा ना बाड़ी। आंटी जी, आप तो गीत के बिना उदास हो गई नहीं। आप एक काम करें, आप रेस्ट करें। जरा सोची तो सही आंटी जी, कब कहा ना भाई हमारे साथ मेहरा हाउस में। पर फिर भी हम सब कुछ भूले खातिर तैयार बानी, मल्हार की सेवा करे खातिर तैयार बानी, और आप फिर भी हमके घर से जावे खातिर कहता नहीं। इतना फितूर भी अच्छा ना होत बा आंटी जी। जबान संभाल के बोलिया सिमोन। हाँ मल्हार, मल्हार बेटा, का बात बा? कुछ बोलत काहे लेके बेटा, का चाहिए तोहरा के? तो बोला बेटा मल्हार भैया जी आप खोली ना प्लीज। हाँ जी मल्हार भैया प्लीज होश में आई। देखिए देखिए हमने सब यहाँ बानी, मॉम पापा हमने सब आपके पास बानी, आप अपन घर में बानी मल्हार ब्रो। कुछ तो बोली देख लागी तू तो कहत रहो तू कमरा छोड़ सकेलो, घर छोड़ सकेलो, जायदाद छोड़ सकेलो, पर मल्हार के ना छोड़ सकेलो। देखा देखा अब का हॉल बताहार मल्हार के, अब तहार मल्हार के हमार होके कैसे केहू ना रोक सकेले। और तहार का है मल्हार तो शुरू से ही हमार रहे और हमार ही रहे। रहल बात तहार और मल्हार की, तहार प्यार के कहानी था लैला मजनू के कहानी जैसा कभी पूरा ना हो पाई। चाची हमार मल्हार साहब जी आप कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं आप इतना पत्थर दिल हो गए ले कि आपकी हमारी याद ही नहीं खे आई। आपके गीत कौन हाल में बाड़ी, कब आके देखी तो सही आप। हमने के प्यार के डोर इतना कच्चा तो नहीं हो सकेला, इतना कच्चा नहीं हो सकेला। हमनी के गांव की ले किलो कहेली, अगर पूर्णिमा के चांद के नीचे दो प्यार करे वाला एक दूसर के साथ प्यार करे के वादा करे लेना, ये गांठ बांधे से तो सारा उम्र नहीं खुल सकेला। हमार और गीत के प्यार के डोर इतना कच्चा ना हो सकेला, ना हो सकेला, इतना जल्दी ना टूट सकेला। दुनिया चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले पर हमार और गीत के प्यार कभी भी ना खत्म हो सकेला, कबो भी ना। कहाँ है आप मल्हार साहब जी, कहाँ है आप? हमके आपकी बहुत याद आवेला मल्हार साहब जी, यहाँ पे आके हमके यहाँ से लेके जाइए आप। हमके यहाँ पर लेके रहे कि बा मल्हार साहब जी, हमने के प्यार के डोर इतना कच्चा था नहीं हो सकेला, कबो नहीं क्यों हो सकेला। गीत, गीत कहाँ बानी तू? गीत हम सच में तारा के बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। गीत तू जहां भी बानी प्लीज हमरा पास आ जा, प्लीज गीत तू हमरा पास वापस आ जा, दोबारा वापस आ जा, वापस आ जा। जेके मेहरा साहब, हमारी बिटिया कहाँ बिया, कहाँ बिया हमारी बिटिया। सुरजीत ढोली, अब तुम्हारा इतना हिम्मत हो गई बा कि तू हमारा नाम लेकर के ऊंचा आवाज में बात करे। हिम्मत तामू को ढूंढने में भी करब, और जौन भी हमरे और हमार बिटिया गीत के राह में आई, हम उकरा के छोड़ब नहीं खे। मतलब तू हमरा से पंगा लेवे के चाहेला, औकात भूल गई बड़ा। देख लिहा, जेके मेरा नाम बा हमार, अगर हम औकात दिखावे पे आ गए नहीं ना, तो तुहार चमड़ी उधेड़ देव हम। वो दिन गए जेके मेहरा साहब, बहुत पुरान बात हो गई बा। अब ना तो आप जमींदार रहले, और हम ना तुहार कोनो गुलाम, जब हम तुहरा हाथ से मार खाइब। कहाँ छुपा के रखले बारे हमारे गीत के, हम अपने गीत के बगैर ना रह पाइब। हमार बिटिया में हमार जान बसल बा, अगर उकरा के कुछ हो गई तो अच्छा आपके खातिर भी ना होई। हमार बात कान खोल के सुन ला। सुरजीत, सही से बात करा हमरा से, हम तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त ना करब। शायद तू हमरा के ना जानी ले, हम सब जानते तोरा के, तू अमीर लोग के पैसे के बहुत घमंड बना तोरा के, और गरीब लोग के तू लोग इंसान ही ना समझे ले। अब आज हम तो के गरीब इंसान के ताकत दिखाई। हम अपन गांव के सब लोग के इकट्ठा करके मेहरा हाउस में लेके आई। फिर ना कहिया कि पहले बताई लेना सुरजीत ढोली। सुरजीत, अब तो होना के धमकी दे रहा बड़ा। अपन बिटिया गीत के खातिर हम केहू से भी लड़ाई कर सके नहीं, आपके साथ भी। अच्छा यही बात बा, तो फिर एक बात हमार भी ध्यान से सुन लो, कि हम अपन बिटुआ खातिर पूरा दुनिया की आग लगा सके नहीं, और हमार बिटुआ के हाल भी तोहरा वजह से भइल बा। आज तोहरा वजह से हमार बिटुआ बिस्तर पे आ गइल बा। का कहले, मल्हार बिटुआ बिस्तर पे आ गइल बा। हाँ, सुरजीत ढोली ठीक नहीं खे, बीमार हो गइल बा, बिस्तर पर पड़ल बाड़ा, और डॉक्टर कहा था कि ओकर दिमाग में सदमा लग गइल बा। बहुत तेज दवाई दे रहल बाड़े उ लोग। पर मल्हार तब बिल्कुल ठीक ठाक रहे, ओकर ई हाल कैसे हो गइल? जे भी भइल, जैसे भी भइल, उकर जिम्मेदार तू बड़ा। अगर हमार बिटुआ के कुछ भी हो गई ना, फिर तू शहर ना, हम खुद तोहरा पास, तोहरा गांव में आए, तोहरा के गोली मार दे और तोहरा घर की आग लगा दे। जेके, जेके मेरा नाम बा हमार, याद रखिया हमार बात। हेलो पापा, पापा का बात बा? पापा, ई अखबार में ना का छपल बा? अखबार में आपकी फोटो छपल बा, पत्रकार की धमकी देत रहनी। हमार फोटो? हमके तो पहले ही मालूम रहे कि ई बदनामी हमरे गले पड़ी ही पड़ी, पड़ गई। जसलीन जी, जसलीन जी। पापा, जसलीन जी, जसलीन जी। पापा, पापा का भेल जी के साहब? देख ले लू जसलीन जी, जौन बात के हमरा के डर रहे, वही बात हो गई। का भेल तानिया, तोहार पापा इतना गुस्सा में काहे बानी? ये तो कुछ बताई है ना, तू ही बता दा। मॉम, अखबार में पापा के फोटो छपल बा, रिपोर्टर्स के साथ धक्का मुक्की करत होकर। रो ईबे लिखले बारे की का लिखनी हा उ लोग? इहे कि अपन बहू के तंग परेशान करे वाला जेके मेहरा पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की केले, और ईदी की गीत भाभी के गायब होके के पीछे भी पापा बाड़े। देखला जसलीन जी, का के का बना देले ये अखबार वाले। आज सारा जलंधर शहर, जलंधर ही का है, अब तो सारा पंजाब भी ये खबर पढ़ी, और जेके मेहरा के नाम पे थू थू करी। फिर भी तू यह कह लो कि हम गीत के माफ कर दी, गीत के माफ कर दी ना? जसलीन जी, ये तक कभी भी ना हो पाई, ये कभी भी ना हो पाई। जेके साहब, आपके माफ करे से या ना करे से गीत के का फर्क पड़ेला? गीत के तो आप तब ही माफ करबाना जब वो आपके सामने आई पर ओकर बिचारी के तो अभी तक कोनो पता ही नहीं खे। अच्छा भाई कि ओकर कोनो आता पता ना लगल। बुरा काम करे वाले लोग तो हमेशा यह सोचले कि उनकर कभी बुरा हो ही ना, लेकिन ऐसे पापी के पाप के ऊपर वाला कभी ना बख्शू। माफ करिए जेके साहब, अगर आप हमार गीत के पापी कहता नहीं तो हम ना मानेनी कि हमार बहू कोनो पाप कैलस हा। ई ओकर घर बा और ऊ घर में जरूर आई। तो फिर देखत जाई सपना, अब वो दिन कभी ना आए। वो दिन तो जरूर आई जेके साहब, जब गीत आपके सामने खड़ा होके आपके जरूर पूछी कि इतना कुछ करे कि क्या जरूरत है पापा जी। मन का लागत ही ना हो कि जसलीन मेहरा के गीत के बिना। पर सॉरी आंटी जी, इस समय जवन जगह पे गीत बाड़ी वहाँ की यूँ अच्छा बंदा ना रह सकी, और अगर रह गए ना तो अच्छा वापस ना सके। और अब गीत कभी लौट के नहीं, वो तो मल्हार की जिंदगी से हमेशा हमेशा खातिर बाहर निकले समझी। ना गीत, तू हमरा के ऐसे छोड़ के ना जा सकेलू गीत। हमने के प्यार इतना कमजोर थोड़ी बाकी कि हमने के एक दूजे से दूर रह रह के रोवे पड़े। तू हमरा के छोड़ के कहे चल गईलू गीत। गीत 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 कहाँ बानी तू अब? मल्हार, मल्हार कौन? हम बानी मल्हार, सिमोन। हाँ पर तू कहाँ जात बारी? सिमोन हमरा के छोड़ दो, हम गीत के पास चाहिए। मल्हार तू कहीं ना जात बारी, तहार तबियत ठीक ना बा, तू जा, तू रेस्ट करा। ना सिमोन, हम गीत के लगे जाइए। मल्हार जिद मत करा, तो क्या आराम की जरूरत बा। तू चला रूम में चला, चला अंदर चला। सिमोन गीत, मल्हार चला ना, चला मल्हार आराम करा। हम गीत लगे जाइए। तू हर सेहत ठीक नहीं खे, तू यहाँ पे आराम से सो जा, चला। हम गीत लगे जाइए, हम गीत लगे जाइए। ना मल्हार तू कहीं ना जाइबा, गीत के पास तू रेस्ट करा, सिद्ध मत करा मल्हार, तहार तबियत ठीक ना बना। प्लीज हमरा के चाहिए था, गीत लगे चाहिए। ना मल्हार तू आराम करा, हम अभी तो के दवाई देता नहीं। हाँ ये बहुत खास दवाई बा मल्हार। खा के ना गीत तो के नींद आ जाए। गीत लगे हमरा के गीत के पास जाए। चला मल्हार मुंह खोला, खोला मुंह, दवाई खाला। बहुत ख्याल रखा तारू सिमोन मल्हार के गीत। और ता दवाई में एक टाइम की भी नागा ना हो के देली। चला मल्हार आंख बंद करना आप। हाँ सोते की कोशिश करा, नींद आ जाए तुमकी। ना ना हमरा गीत के पास ना मल्हार, कहीं से करत बारे मल्हार, हम पानी ना यहाँ तार पास। हम तो के बहुत प्यार करेंगे मल्हार, गीत से भी ज्यादा। आई लव गीत, हमें गीत चाहिए। अरे देख ला बुआ जी, एक तरफ गीत से प्यार ना छूटी और दूसरी तरफ सिमोन से शादी भी हो जाए। गीत। मल्हार ना, मल्हार ना, अच्छा बच्चा के जैसे यहाँ पर चुपचाप सूझ जा। सिमोन तू इजा का करा तारू? हम ता मल्हार की ख्याल आई, बड़ा मल्हार के ख्याल रखे वाली। चल निकला इजा से। हम बाहर निकले। हाँ निकल जाए इजा से। ये कमरा हमार बहू के बा, हमार गीत के बा ये कमरा, और हम तोहरा जैसा लोगन के एजा रहे ना देव। चला निकला। अब तो चिकरा के रहे कबा यहाँ, वो तो रह गई आंटी जी। अब बाप कुछ न कर सकी नहीं। और तो अब गीत दोबारा वापस ना यहाँ पे भाभी जी। काहे ना आई गीत एजा? ये गीत के घर बा, वो एजा ना आई तो कहाँ जाई? अपना घर ये होकर अपना घर ना रहल भाभी जी। आपके पता ना रहल आज बड़ भाई साहब और लाल जी कचहरी गए बाड़े, देख लेना। आज तक केस के पहला तारीख रहे। आपके शायद याद नवा, हम याद दिला देता नहीं। आपकी प्यारी लाडली बहू रानी जायदाद में अपन हिस्सा मांग ले रहे। केहू जे मर्जी कहे पर हम ना मानेंगे। हमार गीत ऐसा कबो भी ना कर सकेली। इता मेहरा हाउस के हाय बा केहू के, और हाय लागी भी काहे ना। का ना कैलस मेहरा परिवार, गरीब लोगन के जमीन हथिया लेलस, उ लोगन के घर से बेघर कर देलस, जान ले लेलस लोगन के, और कई लोगन के हाथ पैर तोड़ के उन लोगन के जिए के लायक ना छोड़लस। तो हाय हाय कहना लगी मेरा परिवार की, हाय कहना लगी है। अब ये कर्म से जेकरा से गहना लेके घूमत रही। हम अदालत के चक्कर के बात ना करता निकम्मो। हमनी के तो कोनो गरीब के हाय लागल बा, जे तोहार जैसन बेटी पल्ले पड़ गई मेरा परिवार के, और ये प्रशांत जैसन जमाई। बड़ी भाभी जी जबान संभाल के बात करी। भाभी जी आप ऐसा बात तो बिल्कुल ना करी। तू तो चुपे कर जा। दोनों लोग जोक के जैसन खून पिया था मेहरा परिवार के, चिपकल बानी जोक जैसन। और तो तोरा से कुछ होला ना, खून चूसत जाता रहा, बस खून चूसत जाता रहा मेहरा परिवार के। बड़ा बड़ा बात करेनी, और तो कोनो बात आवेला ना। बड़ी भाभी जी आप हमने की बेइज्जती करत बानी। बेइज्जती तोहरा के मतलब भी पता बा बेइज्जती के? अब बेइज्जती तो उ लोगन के होला जेकर कोनो इज्जत होए। अगर तोहरा के अपन इज्जत के ख्याल होता तो इतना नीचे ना गिरे तू लोग। किस बात पे बहस हो रहा बा? कौन नीचे गिर गई बा? प्रशांत सिमोन कम्मो के नाम तो तू ले 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 बाड़ू, लेकिन तू अपन प्यारी बहू के नाम काहे ना ले ले बाड़ू? काहे ना ले रहा लोकर नाम? गीत बिचारी के तो पता नहीं कि जेके साहब हम आपके बार बार कहता नहीं, पर आप हमारी बात सुनबे ना करे नी। गीत पक्का कोनो मुसीबत में बाड़ी, और जरूर ओकरा के केहू अगवा कैलस। हा सारा पुलिस तो ओकरा के ढूंढ रहल बा, और बताओ हम का करी? या मल्हार के जैसन सोशल मीडिया पे पोस्टर डाल दी, उकर पोस्ट देख के सारा दुनिया ओकरा के ढूंढ रहल बा, लेकिन हमके अच्छी तरह से मालूम बा कि वो केहू के भी ना मिली। पर हमार दिल कहता रहा जेके साहब कि गीत बहुत जल्दी मिल जाई, और फिर सबके सामने आई, और ई मेहरा परिवार में भी आई। हाँ ई मेहरा परिवार में भी बहुत जल्दी आई। का कहलू मेहरा हाउस में ना जसलीन जी ना, मेहरा हाउस में गीत के खातिर कोनो भी जगह नहीं खे। काहे जगह ना बा? उही घर के बहू बाड़ी, काहे वापस ना आयु? हम ओकर आवे से पहले ही मल्हार और सिमोन के शादी कर दे, फिर वो मेरा हाउस की बहू कैसे बनी? गलत, ये आप गलत कहता नहीं, ये गैर कानूनी बा जेके साहब। आप ऐसे मल्हार की शादी ना कर सकेनी आप मल्हार की शादी। कानूनी गैर कानूनी जे भी बा, उस सब कुछ हम संभाल ले, लेकिन मल्हार की शादी सिमोन के साथ में जरूर हुई। अब गीत के खातिर मेहरा हाउस में कोनो भी जगह नहीं खे। वो लालची लड़की बिया, धोखेबाज, और उकरा से आस भी कोनो कर सकत रहनी। हम ही बुद्धू रहनी जो नुकरा पे भरोसा कर ले रहनी। कहाँ जा रहल बानी जेके भैया? डायमंड जाए के पड़ी आपन गलती के सुधारे के खातिर अदालत में। गलती कैसन गलती जेके भैया? वही गलती जो मेहरा परिवार के मुखिया होए पर हमरा से भइल बा, प्यार करे के गलती। वो गरीब घर के लड़की सुरजीत ढोली से प्यार करे के गलती, वही गलती हमरा के बहुत महंगी पड़ रहा बा। गीत प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगले रही ना, हम उकरा विरुद्ध केस कर देले हई। वो तो ठीक बा जेके भैया, पर आपके का जरूरत बा अदालत में जाए के? वकील साहब खुद ही चल आई हैं। हम तो से कहनी ना डायमंड, ये गलती हमार बा। अरे गलती ना है तो पाप बा। अब एक प्रायश्चित हमरा के करे के ही पड़ी ना। अब ना तक गीत के मल्हार मिली और ना ही ये प्रॉपर्टी में कोनो हिस्सा। जेके साहब रुकी जेके साहब। सिमोन, ये देखा तारा एगो फोटो दिखावे के बा। ये काहे के फोटो बा डायमंड? ये झुमका के फोटो बा, पहचान लू ना सिमोनी? झुमका हम कैसे पहचानब? हमके का पता केकर झुमका बा? केकर झुमका बा? इताहारू है झुमका बा जे गीत के गांव में ओकर घर पे गिर गइल रहे। का मतलब बाप के कि हमार झुमका बा कहाँ मिला? तहरा पास से गिर गई रहे गीत के घर पर। हमरा कुछ दिन पहले गीत ही फोटो भेजले रहनी, तहरा से ही गिरल रहे ना। ये आप का कहत बानी चाचा जी? हम के आपकी कोनो बात समझ ना आवता। अच्छा, फिर तो तहरा ड्राइवर के बुलावे के पड़ी, उहे समझाई तहरा के। जौन दिन तू ओकर गाँव गइल रहला ओकर घर, उहे दिन हम मल्हार भी गइल रहे। डायमंड भाई साहब, आप भी कैसा नई कहानी बनाई जात बानी अपने से। ई कोनो कहानी नहीं खेबा कमो, जो सच बा उहे बोलता नहीं। काहे सिमोन, सच ही बोल रहल बानी ना हम? हमके कुछ ना पता। ई झुमका वाला फोटो देख के तार रंग काहे उड़ गए? अब ये कौन सा नया कहानी बा डायमंड? का बात करे तारा तू? हम आपके बतावता नहीं भाभी जी, जो उन दिन मल्हार गीत के गांव और ओकर घर गइल रहे ना, वो दिन सिमोन भी गीत के घर गइल रहे। तब मल्हार के बेहोशी के हालत से उठावत समय सिमोन के झुमका गिर गइल रहे। सिमोन गीत के घर गइल रही? हाँ भाभी जी। चला सिमोन, यहाँ तक तो हम बता दीनी, अब तू बतावा तहरा ही कान से झुमका गिर गई और तहरा के उस समय में पता काहे न चलल? कहीं उहे तो नहीं झुमका गिर गई जब तू मल्हार के उस समय में बेहोशी के हालत में उठावत रहलू? अब बार बार एक ही बात काहे करत बानी चाचा जी? आखिर अब चाहत का बानी?